नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? मैं सुनीता, आज फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस ब्रेन बूस्टिंग गेम में हम फिर से मैच स्टिक से अल्फाबेट्स एंड नंबर बनाने सीखेंगे, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था। बच्चों, आपको ABCD तो आती होगी, पर क्या आपने कभी मैस्टिक से ABCD बनानी सीखी है? कोई बात नहीं, आज मैं आपको मैस्टिक से अल्फाबेट्स बनाना सिखाऊंगी। मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों को वह अपनी निगरानी में करवाएं, क्योंकि माचिस की जो तीली है उसमें आगे जो मसाला होता है वह हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। बच्चों को दिमाग तेज करवाने के लिए इसी तरह की एक्टिविटी डेली घर पर 15 मिनट तक अवश्य करवानी चाहिए, जैसे शेप्स, नंबर, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखे थे, वह आगे और भी फन एक्टिविटीज करवाऊंगी जो कि बच्चे इंटरेस्ट से सीखेंगे, वह खेल खेल में सीख जाएंगे। इससे बच्चों की रीजनिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, ग्रिपिंग, प्री राइटिंग स्किल्स, इससे सभी डेवलप होती हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे बच्चों के जो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बच्चों के लिए यह एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी साबित होगी। बच्चे इसे घर पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। तो चलो हम सीखते हैं मैस्टिक से अल्फाबेट्स। हम सभी जो हैं मैस्टिक को पहले कलर कर लेंगे, उसको ग्रीन कलर। उससे सभी बच्चे अपनी मैस्टिक को ग्रीन कलर कर लेंगे। बच्चों को साथ साथ बताएंगे भी कि बच्चों ये देखो मैस्टिक एक हमने कैसे लगाई है, तिरछी। ए बनाने के लिए दूसरी लगा दी और एक हमने बीच में लगा दी। अब बच्चे को हम ए बता देंगे कि ये ए होता है और ए से क्या क्या बनता है, साथ साथ वो भी हम बच्चों को बता सकते हैं। और हम इसी तरह से हम अब बी बनाएंगे। बी के लिए हम क्या करेंगे, एक मैस्टिक सीधी लेंगे, फिर हमने उसको एक मैस्टिक को उसके सामने सीधा रख दिया, फिर हम नीचे लाएंगे, फिर उसको हम अंदर की तरफ, क्या बन गया बच्चों, पी। अब हमने पी को क्या करना है, बी बनाना है। अब नीचे एक मैस्टिक ले ली और उसको फिर ऐसे कर दिया। तो बी का भी हमने बच्चों को साथ में बताते जाना है कि बी फॉर बॉल होती है, बी फॉर बैट होता है। इसी तरह से हम बच्चों को मैस्टिक से सी सिखाएंगे। तो सी सिखाने के लिए बच्चों को हमने एक सीधी मैस्टिक लगा दी और एक कैसे लंबी आ गई, एक इसको फिर हमने आगे ले लिया। तो ये सारी जो मैस्टिक से है इसमें शेप बच्चों को बतानी है कि इस तरह से ये शेप बनेंगे। तो अब हम सी से कैट, इसी तरह से हम बच्चों को साथ साथ बताते जाएंगे। और भी बता सकते हैं कि सी से क्या क्या बनता है। अब अगला हम लेंगे सी के बाद, बच्चे से पूछेंगे क्या आता है, तो बच्चा बताएगा डी। तो हम बच्चे को डी भी मैस्टिक से बनानी सिखाएंगे। तो डी के लिए बच्चे से खुद ही लगवाएंगे कि तो बच्चों बताओ कैसे लगाएंगे मैस्टिक। तो बच्चा उसको सीधी खड़ी लगा देगा और फिर बच्चा उसको इस तरह से लगाता हुआ, और ठीक ये इस तरह से, हाँ, जहाँ पे जो छोटी अगर हमें मैस्टिक की जरूरत है ना, जैसे डी में हमने ये छोटी लगाई है, तो जो यूज हो चुकी होती है, जैसे हम घर में जोत वगैरह भी लगाते हैं, तो उसके लिए उसको भी हम कलर करके बच्चों को यूज करवा सकते हैं, क्योंकि उससे शेप ठीक आएगी। और अगला हमने क्या लेना है, डी से बच्चों को बताते हुए डॉग, और फिर आगे डी के बाद क्या आता है, ई। अब ई भी हम बच्चों को, ई तो बहुत आसान है, तो बच्चे ई बच्चे इंटरेस्ट से अपने आप से बनाएंगे। तो बच्चों को ई देखकर या बच्चे अपने आप रीजनिंग से उसको ई बनाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें छोटी, इसमें छोटा आ रहा है ना, तो छोटी लगा दो और ये पूरी बड़ी लग गई। तो ई में कितनी स्टिक्स लग गई, तीन तो बड़ी लग गई और एक छोटी लग गई। तो इस तरह से हम बच्चों को गिनवाते हुए और साथ साथ बच्चे को ई फोर, ई फोर क्या होता है ये उसको बताते हुए बच्चे को ये स्टिक्स भी हम गिनवा सकते हैं, कलर भी गिनवा सकते, कलर भी बता सकते हैं कि कौन सा कलर है। तो ई फोर एलिफेंट।
बस इसी तरह से ई के बाद एफ, एफ और बच्चे को बताते हुए और स्टिक्स लगवाएंगे, जैसे एक सीधी लग गई, फिर हमने उसको ऊपर लगा दी और नीचे इसमें छोटी आ गई, तो एफ का हम बताते हुए कि कितनी स्टिक्स लगी हैं, और वो बच्चे को दो बड़ी और एक छोटी, तो इसमें बच्चे को साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, और एफ फोर बच्चे को बता दिया फैन, तो बच्चे को अगला एफ के बाद क्या आता है, जी, जी फोर बच्चे को बताते हुए गन, और हम इस तरह से स्टिक से कौन से कलर की स्टिक्स हैं, ग्रीन, ग्रीन कलर की स्टिक से हम जी बनवाएंगे बच्चे से, एक स्टिक कैसे लगा दी, फिर हमने नीचे को लगा दी, फिर हमने साइड में को लगा दी, इसी तरह से एक फिर छोटी ऊपर आ जाएगी और एक छोटी और अंदर की तरफ, बच्चों को ये हमने जी बनवा दिया, बच्चों को बताना है कि इस तरह से भी जी होता है, तो इसमें भी बच्चे से हम साथ साथ गिनवाते हुए और जी फोर गन, गन बताते हुए हमने जी बनवा दिया। अगला हम जी के बाद एच, एच बच्चे को कैसे, दो हमने उसको स्टिक सीधी लगवा दी और एक बीच में, और हमने बच्चे को बताना है कि एच फोर क्या होता है, हट, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बनाई थी। एच के बाद बच्चे से पूछते हुए क्या आता है, आई, अब बच्चे को हम बताएंगे कि आई में हमने पहले भी बनाया था, कितने स्टिक्स आएंगी, एक, और छोटी एक ऊपर आएगी और एक छोटी नीचे, तो हमने बच्चे को आई बनवाकर आई फोर उसको आइसक्रीम, क्योंकि तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, इसलिए हमने बच्चे को आई फोर आइसक्रीम बता दी, और बच्चा आई के बाद जे, जे बच्चे को बताना है कि हमने एक सीधी स्टिक लगानी है और छोटी वाली ऊपर लगानी है और एक ऐसी छोटी सीधी और फिर ऊपर, देखो ये सारे ही इस तरह से बनेंगे क्योंकि स्टिक्स है ना बच्चों, हम इसको गोल नहीं कर सकते, तो जे फोर हमने बच्चे को जे फोर जोकर, जो कि शेप से बनाया था पहले भी। जे के बाद के हमने बच्चे को एक सीधी स्टिक्स लगाते हुए और दो स्टिक्स हमने उसको तिरछी लगवाते हुए ये बनवा दिया, बच्चा बनाएगा भी और बच्चा इसको चिपका भी सकता है, क्योंकि उससे भी बच्चे को उसकी पेस्टिंग और उसको उसकी हैंड कोऑर्डिनेशन उसको बच्चे को आ जाएगा, और साथ साथ बच्चे को बताया कि के फॉर काइट, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है। के बाद एल, एल एल को हम स्टिक से एक सीधी हमने स्टिक रख ली और एक हमने उसको आगे जैसे ले लिया, एल फोर बच्चे को बताएंगे लॉइन, तो इसी तरह से एल का बनवाकर फिर हम एम, एम को बच्चे को बताएंगे एम कैसे बनाएंगे, हमने बनाकर बच्चे को दिखा दिया, अब बच्चा स्टिक से बनाएगा एक सीधी स्टिक, एक हमने उसको छोटी स्टिक को लगा दिया, एक फिर इस तरह से हमने छोटी स्टिक को लगा दिया और एक फिर पूरी लंबी स्टिक लगा दी, तो हम बच्चे को बताएंगे एम फॉर मंकी। एम के बाद बच्चा एन, एन को बच्चे को हम इस तरह से एक स्टिक हमने लगाई सीधी, फिर एक हमने उसको तिरछी लगा दी और एक फिर हमने ऊपर सीधी कर दी। एन फोर बच्चे को बताएंगे नेस्ट, एन के बाद क्या आता है बच्चों, ओ को बच्चे अब सोचेंगे कि कैसे बनाए, क्योंकि स्टिक तो सीधी है, अब हम बच्चे को बताएंगे कि इस तरह से एक सीधी स्टिक लगानी है, एक ऊपर छोटी थोड़ी स्टिक लगानी है और फिर सीधी लगाकर इस तरह से हमने ओ बनाना है, और बच्चे को ओ फोर ऑरेंज, ऑरेंज बताते हुए बच्चे को अगला हम सिखाएंगे पी, तो पी बच्चा आसानी से बना लेगा क्योंकि पी हम बहुत ही आसान है, बच्चा एक सीधी लाइन फिर छोटी स्टिक फिर उसको हमने नीचे छोटी स्टिक लगाई, पी बन गया, तो
बिफोर पैरेट। ई के बाद क्यू, क्यू इस तरह से ओ की तरह बनाते हुए बच्चे को बताएंगे कि ओ की तरह से आपने पी बनाना है, क्यू बनाना है, और फिर उसमें एक छोटी स्टिक को इस तरह से लगा देना। तो क्यू फॉर क्वीन। क्यू के बाद आर, आर भी बच्चे को उसको बताते हुए एक स्टिक सीधी, फिर छोटी स्टिक, फिर नीचे भी छोटी स्टिक, पी की तरह बनाकर और एक स्टिक को हमने उसको पीछा लगा दिया। आर फोर बच्चे को रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश भी बता सकते हैं साथ साथ। आर के बाद क्या आता है, एस, एस बच्चे से हमने इसी तरह से जैसे पहले हमने पांच बनाया था उसी तरह से हमने एस को भी बनाना है। नंबर में हमने पांच सीखा था ना बच्चों, तो एस फोर, एस फोर क्या होता है, सन, सन क्या होता है, सूरज। उसके बाद टी, टी तो बच्चे बहुत खुश होकर बनाएंगे क्योंकि बिल्कुल इजी है, टी का बच्चे बना लेंगे। और टी फोर बच्चे बताएंगे कि टी फोर ट्री, ट्री का कौन सा कलर होता है, ग्रीन। इसी तरह से हम यू, यू को भी बच्चों को सिखाएंगे कि सीधी स्टिक लगाकर फिर एक छोटी स्टिक लगानी है और फिर ऊपर एक सीधी स्टिक चली जाएगी। बच्चों को यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्योंकि अब बच्चों बारिश चल रही है ना तो अम्ब्रेला लेके चलना होता है, अम्ब्रेला को छाता भी बोलते हैं। अब यू के बाद हम वी, वी फॉर बच्चों को साथ साथ बताएंगे और बनवाते बनवाते हुए वी फॉर वैन, जो कि बच्चे स्कूल जाते हैं वैन में। और आगे इसके बाद आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू बच्चों को बताएंगे कि ऐसे एक सीधी स्टिक लगाएंगे, फिर छोटी स्टिक, फिर छोटी स्टिक को नीचे लाएंगे और एक बड़ी स्टिक लगाकर डब्ल्यू बनवाते हुए बच्चे को वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, घड़ी, जो कि बच्चे सभी जानते हैं। इसी तरह से एक्स, एक्स भी हमने पिछले वीडियो में बनाया था, दो स्टिक से बन गया था, क्रॉस भी कह सकते हैं इसको, क्रॉस की तरह से हमने बच्चे को एक्स बनवाते हुए एक्स का एक्स मैस्ट्री, जो कि बच्चों आपने बहुत बार देखा भी है, बुक्स में भी है, क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं इसे। तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई, अब तो हमारी जो एबीसी पूरी होने वाली है। वाई फोर, वाई कैसे बनाएंगे, छोटी स्टिक्स लेंगे एक उसको लगाकर और एक बड़ी, दो स्टिक से बन जाएगा। तो वाई फोर, वाई फोर क्या होता है बच्चों, यज। और उसके बाद हम क्या, जेड, जेड बच्चे को हम जैसे एक स्टिक हमने ऊपर ली, एक हमने ली तिरछी और एक स्टिक ये ले ली, तीन स्टिक से जेड बन गया। और जेड फॉर जेब्रा। चलो बच्चों अब हमने देखो ए टू जेड तो हमने सीख लिया अल्फाबेट्स, तो अब हम 0 to 9 हम नंबर सीखेंगे स्टिक से कैसे बनाते हैं। अब हम नंबर को 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 0 कैसे बनाएंगे, नंबर विद मैच स्टिक्स। 0 to 9 अब हम 0 कैसे बनाएंगे, एक हमने स्टिक ली, हमने उसको ऊपर रखा सीधा, फिर एक नीचे लिया, फिर हमने उसको नीचे वाली को लिया, इस तरह से बच्चों चोरस की तरह 0 बन जाएगा, स्टिक से चोरस की तरह 0 बनेगा। फिर हमने एक बनाना है, अब एक भी स्टिक को हमने सीधा एक छोटी स्टिक को लेकर इस तरह से हमने एक बना दिया और एक छोटी नीचे स्टिक लगा दी। अब हमने 2 बनाना है, 2, तो हम बनाने के लिए स्टिक को इस तरह से रखेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर ये देखो कितना अच्छा 2 बन गया। अब हम 3 बनाएंगे, तो बच्चों को 3 बनवाने के लिए स्टिक एक लगाई, फिर हमने छोटी स्टिक लगाकर
अंदर की तरफ, फिर ये नीचे से, और ये तीन बन गया। कुछ अच्छा लग रहा है ना। अब हम चार बनाएंगे। चार तो बहुत आसान है, क्योंकि एक स्टिक हमने इस तरह से, फिर हमने इस तरह से ली और एक बड़ी स्टिक लगा दी। इसमें भी दो छोटी लग गई और एक बड़ी लग गई। अब पांच बनाएंगे। पांच सीधी स्टिक लेते हुए, फिर छोटी स्टिक, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और फिर इस तरह से पांच बन गया। अब हम पांच के बाद छः, छः को भी हम बच्चे को बताएंगे कि किस तरह से। देखो बच्चों, इस तरह से सीधा लेना है, फिर और फिर अंदर की तरफ, फिर हमने छोटी स्टिक ली। ये देखो छः लग रहा है ना बच्चों। इसके बाद छः के बाद सात। सात को बच्चों को साथ साथ पहचान भी करवाते जाना है कि सात इस तरह से होता है, और सात हमने फिर स्टिक से बनवानी है। मैं स्टिक से हम सात बच्चे से इस तरह से सीधा लेते हुए नीचे, दो स्टिक से भी बन गया बच्चों। हम इसको आठ, आठ को किस तरह से बनाएंगे। हम छोटी स्टिक से हम आठ को बनाएंगे, और इस तरह से हम उसको पूरा करते हुए, और ऊपर से भी कर दिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों। अब हम नौ बनाएंगे। नौ से एक सीधी स्टिक ली, फिर हमने सात सेवन बना दिया। अब सात के बाद इस तरह से हमने इसको नौ बना दिया। इस तरह से बच्चों हम आगे भी हम गिनती सीख सकते हैं। बच्चों के हम अल्फाबेट से भी बच्चों के नाम, बच्चों के अगर कुछ भी वर्ड्स भी बनवा सकते हैं बच्चों से, नंबर से भी हम इसी तरह से हम आगे भी बनवा सकते हैं। तो बच्चों को हम मैस्टिक से इस तरह से गेम भी हो जाएगी, बच्चा बैठकर खेल भी सकता है और बच्चा कर भी लेगा। धन्यवाद बच्चों, आप घर पर भी से मैस्टिक से अपने नाम की प्रैक्टिस करना, और इससे आप और भी कुछ बना सकते हैं, इसे चिपका भी सकते हैं, और आप इसको घर पर जरूर सीखना।